बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए बहरिया टाउन लाहौर में 10 मरले के घर लेके आया हूँ। इसकी डायमेंशन गाइस 35x65 है और इसकी जो डिमांड है वो 3,90,00,000 है। ये इसका फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं। अब मैं इसकी जो राइट साइड है, लेफ़्ट साइड से आपको दिखा दूँ इसका जो व्यू है। ये इसका लेफ़्ट साइड से व्यू है। इसी तरह अगर हम बात करें तो गाइस ये इसका फ्रंट एलिवेशन है। तो ये कह रहे इसका फ्रंट एलिवेशन, अगर हम इसके रोड की बात करें तो इसका इस तरफ 40 फीट का रोड जा रहा है। इसी तरह अगर हम इसके लेफ़्ट साइड में बात करें तो यहाँ पे भी इसका 40 फीट का रोड जा रहा है। अब हम इसके विजिट की तरफ चलते हैं। ये क्या है, इससे ग्रीनरी एरिया, इलेक्ट्रिसिटी का मीटर इंस्टॉल्ड है, प्लस आप देख सकते हैं गैस के मीटर भी जो है इंस्टॉल्ड हुआ हुआ। ये इसका मेन गेट है। अब हम चलते हैं इस घर के विजिट की तरफ। तो जैसे एंटर होते हैं ये इसका कारपोच एरिया, डेकोरेटेड वॉल प्लस सिटिंग एरिया, अगर हम गाइस बात करें इसके गैलरी की तो ये इसकी गैलरी है एल शेप में, गैलरी भी काफ़ी खुली है। ये इसका बैक गेट दरवाज़ा दिया गया पीछे से जहाँ से आप एंटर हो सकते हैं। तो ये इसका बैक है और ये ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ दी गई हैं पीछे से। ये गैलरी इसकी मेन एंट्रेंस है और एक बात और भी क्लियर कर देते हैं, इसका बेसमेंट भी है। जैसे हम एंटर हुए तो ये इसका लॉबी एरिया, सीलिंग व्यू लॉबी एरिया का, इसकी जी ये वाली सीढ़ी जो नीचे की तरफ जा रही है बेसमेंट की तरफ और ये सीढ़ी ऊपर की तरफ जा रही है। मेरे राइट साइड पे अगर मैं एंटर हूँ तो ये इसका ड्राइंग रूम है गाइस। इसका ड्राइंग रूम, ये इसकी मेन वॉल और नीचे आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत जो है वो टाइलिंग लगी हुई है। यहां से देखें तो मैं व्यू नजर आता है पेविलियन का। ये ड्राइंग रूम के झूमर प्लस उनका सीलिंग व्यू। अब गाइस चलते हैं इसके टीवी लॉन की तरफ। तो ये कह रहे हैं इसका टीवी लॉन है, घर काफी खूबसूरत बना हुआ है। मल्टीमीडिया वॉल, अब गाइस चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। ये कह रहे इसके बेडरूम है, सीलिंग व्यू, मेन वॉल और इसी तरह अगर हम बात करें तो इसकी इस तरफ जो है वो मल्टीमीडिया वॉल दी गई है। और हमारी इस राइट साइड पे जो है वो अलमारियाँ लगी हुई हैं इस रूम की। आप गए चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। ये गए इसका अटैच वॉशरूम है,
इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। इलेक्ट्रॉनिक ग्लास, ये कंबोर्ड बड़ा हुआ, शॉवर एरिया, टाइलिंग देखें आप ऊपर छत तक कंप्लीट लगी है। ये इसका शॉवर एरिया छत पे लगा हुआ, ये कंबोर्ड की सेल्फ डिजाइनिंग, और ये इसके डोर है। अब गाइस हम चलते हैं इसी किचन की तरफ। ये इससे किचन का डोर है। जैसे एंटर होते हैं बहुत ही खूबसूरत जो डोर बना हुआ, और ये इसका किचन है। ये सिंक लगा हुआ, ये भी छोटा किचन, दो किचन है बेसिकली ओपन। यहां से बैक बाहर जाने का रास्ता है। अब गाइस हम चलते हैं इसके बेसमेंट की तरफ। बहुत ही खूबसूरत पत्थर लगा हुआ है, आप देख सकते हैं इधर इसकी जो सीढ़ियां। जैसे बेसमेंट में आए हैं तो ये इसका टीवी लॉन है, मल्टीमीडिया वॉल। इसका सीलिंग व्यू, अब गाइस चलते हैं इसके बेडरूम की तरफ। बेसमेंट में जो बेडरूम है, ये इसका फर्स्ट बेडरूम है। बेसमेंट में बेसिकली एक ही बेडरूम दिया गया। सीलिंग व्यू, मल्टीमीडिया वॉल, यहां भी देखें पर्दे लगे हुए हैं, और साथ ही हमारे इस तरफ देखें तो ये इस रूम की अलमारियां जो बेसमेंट में है। इसका सीलिंग व्यू, टाइलिंग बहुत खूबसूरत लगी है। अब चलते हैं गाइस इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। तो ये गाइस इसका अटैच वॉशरूम है, इलेक्ट्रॉनिक ग्लास है, ये शॉवर ये सेपरेट दिया गया, ये हम कंबोर्ड पड़ा हुआ। अब गाइस चलते हैं इसके स्टोर की तरफ। तो ये बेसमेंट का छोटा सा स्टोर दिया गया, ये स्टोर है जहाँ पे आप कोई एक्स्ट्रा चीज़ें रख सकते हैं। अब गाइस चलते हैं हम लोग इसके सेकंड पोर्शन की तरफ। ये गाइस इसका सेकंड पोर्शन, जैसे ऊपर आते हैं ये इसका लोबी एरिया, लोबी एरिया की सीलिंग, लोबी एरिया। जैसे हम एंटर होते हैं तो ये डोर देखें बहुत ही खूबसूरत ग्लास प्लस वुड का बना हुआ है। एंटर होते ही ओपन किचन दिया गया, सिंक लगा हुआ। यहां पे देखें तो इसका ये फर्स्ट बेडरूम है, ब्लैक टाइल यूज की गई है। सीलिंग व्यू,
मेन वॉल, जिसपे वॉलपेपर प्लस ग्लास प्लस वुड का काम हुआ है, ब्लैक डालेंगे इसकी। की अगर हम इस तरह बात करें तो हमारी राइट साइड पे मल्टीमीडिया वॉल और राइट साइड पे अलमारियाँ दी गई हैं इस रूम की। सेकंड पोर्शन का फर्स्ट बेडरूम दिखा रहा हूँ मैं आपको। अब गए चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। तो ये इसका अटैच वॉशरूम, इलेक्ट्रॉनिक ग्लास, आप देख सकते हैं कि जो वॉशरूम के अंदर टाइलिंग जो वो छत तक लगी हुई है। ये कंबोर्ड पड़ा हुआ है, शावर एरिया सेपरेट है, ये इसका शावर एरिया, शावर ये छत पे लगा हुआ है। अब गाइस हम चलते हैं इसके सेकंड बेडरूम की तरफ। तो ये गाइस का पहले आप वुड डोर देख लें, बहुत ही खूबसूरत वुड का बना हुआ है। ये इसका सेकंड बेडरूम है, फर्स्ट वॉल, सीलिंग व्यू, सेकंड वॉल प्लस पर्दे लगे हुए हैं बहुत ही खूबसूरत। अगर आप अपने अपने लेफ्ट साइड पे बात करें तो ये गैर इसका मल्टीमीडिया वॉल है। इसी तरह गैर अगर हमने अपने लेफ्ट साइड पे अगेन बात करें तो ये इसका वॉल है, जिसके ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है वो वॉलपेपर प्लस वुड का काम हुआ है। ये इसका गैस सीलिंग व्यू है। अब हम चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। ये क्या है इसका अटैच वॉशरूम है, ये इसका अटैच वॉशरूम, ग्लास, ये भी इलेक्ट्रॉनिक ग्लास, लाइट नहीं इधर चल रही। अगर आप देखें तो इसके साथ देखें ये इसका शावर एरिया सेपरेट दिया हुआ, ये से कंबोर्ड पड़ा हुआ, यहाँ पे इस रूम का जो अटैच वॉशरूम है उसके अंदर ही जो है ये अलमारियाँ दी गई हैं ब्लैक कलर में, बहुत ही खूबसूरत शेड दे रही हैं। ओके गाइस, अब हम चलते हैं इसके थर्ड बेडरूम की तरफ जो कि सेकंड पोर्शन पे है। ये गाइस इसका थर्ड बेडरूम है, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन किया गया है बेडरूम, सीलिंग व्यू, मेन वॉल प्लस पर्दे लगे हुए हैं, टाइलिंग आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत टाइलिंग है, हर रूम में डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स लगी हुई हैं, मल्टीमीडिया वॉल, सीलिंग व्यू। अब गए चलते हैं इसके अटैच वॉशरूम की तरफ। अटैच वॉशरूम में जाने से पहले यहाँ पे देखें आपको खिड़कियाँ लगी हुई मिलेंगी, ये खिड़कियाँ लगी हुई हैं, ये इसका अटैच वॉशरूम है। इलेक्ट्रॉनिक ग्लास,
सीलिंग व्यू वॉशरूम का, और वॉशरूम की टाइल्स जो है वो छत तक लगी हुई हैं, आप देख सकते हैं। शावर एरिया, ये कमबोर्ड पड़ा हुआ है। अब गाइस हम चलते हैं इसके छत की तरफ, तो काइंडली मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो। छत पे जाने से पहले मैं आपको इसका यहाँ से ओपन एरिया दिखा दूँ। ये काइंडली गाइस इसका ओपन एरिया, ये ऊपर का सीन, और ये बहुत ही खूबसूरत ग्रिल लगी हुई है। ये तो था गाइस टेरेस मैंने दिखा दिया आपको। अब हम ऊपर की तरफ चलते हैं छत की तरफ, तो ये देखें बहुत खूबसूरत जो है वो रोशनदान लगी हैं खिड़कियाँ। टेरेस के बाद हम आ गए हैं इसके ममटी के ऊपर। अब गाइस चलते हैं हम लोग इसके ऊपर छत की तरफ, तो छत से पे जाने से पहले इसका व्यू देख लें। ये ममटी भी आ गए, जैसे ममटी पे आए यहाँ एक छोटी सी अलमारी दी गई है। ये बहुत खूबसूरत जो है वो झूमर लगा हुआ है। ये दरवाजा, छत पे आ गए हम लोग। ये आप देख सकते हैं इसमें यहाँ पे मार्बल लगा हुआ है छत के ऊपर, सारी छत के ऊपर मार्बल है, और इसके यहाँ पे छोटा सा रूम दिया गया। यहाँ पे आप अपने वर्कर्स रख सकते हैं, ये रूम है, और रूम के साथ ही यहाँ पे अटैच वॉशरूम दिया गया। ये इसका वॉशरूम, और गाइस साथ ही साथ अगर मैं बताता चलूँ आपको, यहाँ पे ये टैंक पड़ा हुआ है पानी वाला, और ये दो रास्ते उन्होंने नीचे जाने के लिए दिए हुए, एक बैक से और एक घर के अंदर से। और आप देख सकते हैं सारे घर राउंड अबाउट बने हुए हैं। ये साथ ही मस्जिद है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। काइंडली वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।